नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के मॉडल पेपर को लेकर, और यह हमारे 5वें नंबर का मॉडल पेपर है। इससे पहले के 4 मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर 4 मॉडल पेपर देख सकते हैं। और दोस्तों, आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में 100 प्रश्न आते हैं, और इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है, यानी आपको 1.5 घंटे में पूरे 100 प्रश्न करने होते हैं। और इन 100 प्रश्नों में से आपके 30 प्रश्न मैथ के होते हैं, 30 रीजनिंग के होते हैं, और बाकी 40 प्रश्न आपके जीके, जीएस और जीए के होते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के मॉडल पेपर भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। ये मॉडल पेपर आपको जीके, जीएस और जीए के लिए है, और ये 40 प्रश्न वो हैं दोस्तों जो आपके रेलवे एग्जाम में बार बार पूछता है, इसलिए ये 40 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों आपका, कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटेनिक किस देश का था। आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटेनिक किस देश का था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन। RMS टाइटेनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित जहाज था जो ग्रेट ब्रिटेन ने बनाया था। प्रश्न नंबर 2, कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। प्रश्न नंबर 3, कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और यह आपके कान के अंदर होती है। प्रश्न नंबर 4, लाइट पेन क्या है। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि लाइट पेन क्या है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस। प्रश्न नंबर 5, कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिडनी। प्रश्न नंबर 6, ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपसे पूछा गया है कि ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देहरादून में। प्रश्न नंबर 7, कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जानकीनाथ बोस। प्रश्न नंबर 8, कि वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि वर्तमान में रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी, तो दोस्तों आपके जोन जेकब बर्जीलियस स्वीडन के रसायनज्ञ थे, इन्होंने ही तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर, कि दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि दुनिया में बोली जाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेनिश। स्पेनिश दुनिया में बोले जाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, और वहीं दुनिया की सबसे बड़ी पहली भाषा आपके मैंड्रिन है। दोस्तों अब प्रश्न नंबर 10, कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। प्रश्न नंबर 11, कि 2018 में मिस यूनिवर्स किसने जीती थी। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि 2018 में मिस यूनिवर्स किसने जीती थी, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेमी ले नेल पीटर ने, और ये आपके साउथ अफ्रीका से थे। प्रश्न नंबर 12, कि रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेके रोलिंग के नाम से। प्रश्न नंबर 13, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। आपसे पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 14, कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। प्रश्न नंबर 15, कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आपके पश्चिम घाट में से निकलती है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पश्चिम घाट से निकलती है।
प्रश्न नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी एक उत्कृष्ट धातु है। प्रश्न नंबर 17 कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, और यह प्रश्न अधिकतर आपके पूछा ही जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है और कोशिकाओं से मिलकर आपके उत्तक बनते हैं। प्रश्न नंबर 18 कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर ट्रांसले ने। प्रश्न नंबर 19 कि किस अभ्यारण को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण के रूप में जानते थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण के नाम से जानते थे। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी। प्रश्न नंबर 21 कि मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। आपसे पूछा गया है कि मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। और इसकी जो लंबाई है वो 1250 किलोमीटर है और गहराई आपके 11776 मीटर है। प्रश्न नंबर 22 कि कंप्यूटर के संदर्भ में लैन से क्या तात्पर्य है। आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर के संदर्भ में लैन से क्या तात्पर्य है, तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 23 इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रियकरण। प्रश्न नंबर 24 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देविका रानी। प्रश्न नंबर 25 इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे, तो इनमें से आपके भास्कर प्रथम थे जो आपके भारतीय गणितज्ञ थे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। आपसे पूछा गया है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम उत्तक। प्रश्न नंबर 27 चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है, तो इन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, यह कौटिल्य के नाम से भी विख्यात हैं और यह चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और इन्होंने देववंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। प्रश्न नंबर 28 कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के द्वारा। प्रश्न नंबर 29 थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। आपसे पूछा गया है कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से। 2010 में चीन ने जापान को हराकर थॉमस कप जीता था। प्रश्न नंबर 30 कि शब्द विषुव संदर्भित करता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक समान अवधि के होते हैं उस स्थिति को विषुव कहते हैं। प्रश्न नंबर 31 सर्वाधिक ओस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर हैं। आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक ओस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्ट डिज्नी, इन्होंने 26 ओस्कर अवार्ड जीते हैं। प्रश्न नंबर 32 कि डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है, तो दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोपेनहेगन।
प्रश्न नंबर 33 कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। आपसे पूछा गया है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस के अंदर। और साथ ही 2018 में आपके पोलैंड के अंदर आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 34 भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो भारतीय संविधान में आपके 11 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 35 कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलोर के अंदर। प्रश्न नंबर 36 विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपसे पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन ने विकास क्रम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बेसबॉल। बेसबॉल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर 38 कि निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुचरण सिंह ने। प्रश्न नंबर 39 कि रियाल किस देश की मुद्रा है। आपसे पूछा गया है कि रियाल किस देश की मुद्रा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ब्राजील की। प्रश्न नंबर 40 कि निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिग हीरो फिल्म के लिए 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। इसी के साथ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कर देना, और हमारे आने वाले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।